सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल समीर सर की पाठशाला को और दबाइए बेल आइकॉन मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए। इसमें कोई भी पैसे नहीं लगते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का समीर सर की पाठशाला में। हमारा आज का विषय है आरपीएफ कांस्टेबल के संदर्भ में जो है जीके का मैं 30 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि आप लोग को ये 30 क्वेश्चन पढ़ के एग्जाम देने के लिए जाना है। और मैंने इसमें लिखा भी है कि इसे पढ़ के ही आप जाए, तो ये मैंने इसके पहले पार्ट वन और पार्ट टू बना चुका हूँ मैं, ये पार्ट थ्री दोस्तों। तो ये अपनी 30 को आप बस ये बिना वीडियो देखे आप लोग एग्जाम देने नहीं चाहिए, ये रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्तों आज का प्रश्न हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, ये मेरा पहला प्रश्न हम लोग का, ये बिल्कुल बड़ा आप देख पा रहे हैं, स्पष्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तरल पदार्थों के कारण हुए घर्षण को डॉट 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 कहा जाता है, ए बी सी डी, ए कर्षण, बी बल, सी दबाव और डी घर्षण। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा नंबर ए, ये हो जाएगा कर्षण, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों बहुत ही मजे से आप लोग पढ़ते रहे। तो दोस्तों इस प्रकार दो नंबर का प्रश्न भी आपके सामने में आ चुका है, ये है, इनमें इसको जूम करने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल बड़ा है। इनमें से कौन धारा रेखित वस्तुओं का उदाहरण नहीं है? देखो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे नहीं है लिखा हुआ, इस पर आप लोग फोकस करेंगे, कन्फ्यूजन नहीं हो। तो इसका हो जाएगा समुद्री जहाज, नौका, हवाई जहाज और बस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दो का, यह डी नंबर हो जाएगा आंसर, बस। ये बस जो है आपको उदाहरण नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। तो दोस्तों तीसरा नंबर का प्रश्न में आपके सामने में, किसी वस्तु में कंपन से डॉट 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 उत्पन्न होता है, ये तीन नंबर का प्रश्न है दोस्तों। तो किसी वस्तु में कंपन से क्या जो उत्पन्न होता है, ए ध्वनि, बी दबाव, सी ऊर्जा और डी घनत्व। तो ये आपको इसका हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा आपको, ये आंसर हो जाएगा ए का, हो जाएगा आपको ध्वनि। तो इस प्रकार से आप चलिए चौथा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ये दोस्तों मैंने कहा था कुल आपको मैं 30 प्रश्न बताऊंगा और ये चौथा प्रश्न है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक था तो वो अच्छे से मैंने पेन से लिख दिया है। सात रंगों के समूहों को कहा जाता है डॉट डॉट, यानी क्या कहा जाता है, ए विज्ञोर, बी वर्ण कर्म, सी विच्छेपन और डी प्रावर्तन। तो दोस्तों विज्ञोर तो होता है वो फार्मूला, जैसे कि आप सात रंगों को याद रख सकते हैं वो इंग्लिश में, और वो विज्ञोर तो इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सात रंगों के समूह को हमेशा क्या कहते हैं, तो वर्ण कर्म कहते हैं, यह हो जाएगा आंसर आपका बी नंबर दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों चलिए चौथा नंबर का प्रश्न भी, सॉरी दोस्तों मैंने चौथा बोल दिया, पांचवा नंबर का प्रश्न आपके सामने में देख लीजिए। इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है, ए मटर, बी आलू, सी अंडा और डी नींबू। तो आप खुद ही इससे अंदाजा लगा सकते हैं किससे प्राप्त होती है, ऐसे आप लोग कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं हो। और मुझे बताने के लिए बता रहा हूँ, ये बी नंबर जो आलू है इससे आपको सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। आप लोग इस क्वेश्चन को जो है अवश्य, मैं बीबीआई लिखे दे रहा हूँ, इसको अवश्य आप लोग जो है रट्टा डाल लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आते हैं एग्जाम में तो एग्जाम विद्यार्थी जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये पाँच का नंबर बी नंबर आंसर था दोस्तों। तो अब हम लोग चलते हैं छः नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों छः नंबर प्रश्न आपके सामने में लिखा हुआ है, सुक्रोज डॉट 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 एक सामान्य नाम है, यानी सुक्रोज एक सामान्य नाम है, नीचे दिए गए तीन ऑप्शन में किसका नाम है, ए माल्टोज, बी साधारण चीनी और सी साधारण स्टार्च और डी फ्रक्टोज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी साधारण चीनी दोस्तों, बिल्कुल जिस प्रकार से दिया गया आप लोग उस प्रकार से ही एकदम रट लेना क्वेश्चन को और आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए सात नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से कौन एक वास्तविक विलयन है, तो ए हो जाएगा पानी में स्टार्च, बी हो जाएगा रक्त, सी पानी में चौक पाउडर और डी पानी में फिटकरी। तो दोस्तों सात नंबर का ऑप्शन में आंसर जो है ये बी नंबर, यही आपका आंसर है रक्त। तो चलिए अब अगले प्रश्न को हम लोग देखें। तो दोस्तों ये आठवां प्रश्न आपके सामने में है, ये यौगिक के अवयवों को डॉट 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 द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो मैं बिना समय बर्बाद किए बताऊंगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसको सॉरी नौ नंबर आ गया, ये बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपको रासायनिक विधियों द्वारा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, नम्मा नौ नंबर प्रश्न में दोस्तों, ऊर्ध्वपातन क्या है, तो ए द्रव का गैसे बदलना, बी ठोस का गैसे बदलना, तो सी और डी दोस्तों मेरे ख्याल से इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई जो मैं नहीं कर पाया। तो खैर आपका आंसर बिल्कुल मिल गया, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, और उसका आंसर दोस्तों बिल्कुल आपके सामने वो है, ये बी नंबर आपका आंसर है,
कि ठोस का गैस में बदलना यही जो है ऊर्ध्वपातन है दोस्तों। तो चलिए इस प्रकार से अब 10वां प्रश्न को भी देख। तो दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, पानी के ग्लास में जब सारे बर्फ पिघल जाते हैं तो ग्लास में पानी का स्तर, तो चार ऑप्शन में कम हो जाता है, बी बढ़ जाता है, सी वही रहता है और डी पानी की मात्रा पर निर्भर करता है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 10 का हो जाएगा, ये सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न का जो है क्या हाल। तो दोस्तों 11 से पहले जो 10 नंबर का प्रश्न था तो उसमें भूल से ये जो 11 नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं ये वाला जो नीचे का ये सब है ये उसके नीचे था जो ऑप्शन जैसा लग रहा था, लेकिन ये प्रश्न था, यदि किसी वस्तु को संपिंडित करते हुए लिखा गया है उसके पूर्व के आयतन का आधा किया जाए तो इसका घनत्व क्या होता है, वही रहता है, चार गुना हो जाता है, आधा हो जाता है, डी दो गुना हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 नंबर का आपको हो जाएगा आंसर डी, दो गुना हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम प्रश्न 12 नंबर का क्या है, इनमें से कौन सा स्थान 1930 ईस्वी के ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध है। इसमें ऑप्शन है ए कलिकाता यानी कोलकाता शायद होगा मेरे ख्याल से, बी इंचुडी, सी कुचाई और डी कुली याना। दोस्तों देख रहे हैं किस प्रकार के ये प्रश्न है, इसमें अगर आप नहीं आपको जानकारी रहे तो आप इसमें उलझ सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर दोस्तों है ना इंचुडी। तो आप लोग काफ़ी पढ़ रखे हैं 13 नंबर का प्रश्न का, तो 13 नंबर का प्रश्न जो है दोस्तों वो है ओडिशा, ओडिशा कवि सरला दास के समकालीन थे, मैंने किसके समकालीन थे, ए बी सी डी चार ऑप्शनों का समय दिए गए हैं। तो 13 को दोस्तों समय पर बात नहीं करते, मैं कहूँगा सी नंबर कपिलेंद्र देव जो है ये जो है इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन में से कि इनके समकालीन थे। 14 नंबर प्रश्न भी देखते हैं आगे बढ़ते हुए, 14 नंबर प्रश्न क्या है, किस वर्ष गांधी जी ने पहली बार ओडिशा का दौरा किया, 1923 ईस्वी, बी 1919 ईस्वी, सी 1924 ईस्वी और डी 1921 ईस्वी। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 14 का डी नंबर जो है 1921, ये हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों। इस प्रकार से जो है अब चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं, लिखा हुआ है 15 नंबर में आपके सामने प्रश्न है दोस्तों, ये लिखा हुआ है कि जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस डॉट 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 को मनाया जाता है, ए 25 मई, बी 24 मई, 23 मई और 22 मई। तो 15 का दोस्तों आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर यानी कि 22 मई जो है 15 का डी ए जो है जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं आप, तो प्रश्न ये है कि निम्न में से किस देश के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी, राउरकेला, तो ए बी सी डी चार ऑप्शन है, एशिया, ब्रिटेन, जापान और जर्मनी। तो वो ये 16 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर और ये है जर्मनी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न लिखा हुआ है, थार एक्सप्रेस जाती है कहाँ जाती है भाई, ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान और डी म्यांमार यानी कि जो बर्मा म्यांमार है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों बी नंबर पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न 18, तो दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, यहाँ पे ओजोन परत का रिक्तिकरण इनमें से किनके कारण होता है, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने में, तो इसका सीधा सा बात है कि यहाँ पर सी एफ सी एस जो है ये डी नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इस पर आप लोग कृपया बस अपना बनाए रखें। नंबर प्रश्न भी देख लेते हैं, तो दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न है, पुतली यानी प्यूपिल PUPIL का एक हिस्सा है किसका, मानव नेत्र का, मानव आँख का, मानव कान का, मानव मस्तिष्क का। तो 19 का दोस्तों ये तो स्वाभाविक सी बात है आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते हो तो आप जान जाएं, जब आपको मानव नेत्र का 19 का ए हो जाएगा आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो
दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न है, उपकला उतक को भी कहा जाता है, डॉट डॉट खाली जगह को भरना है कि इनमें से किसको कहा जाता है उपकला उतक। उतक माने टिश्यू होते हैं शायद मेरे ख्याल से, तो उपकला किसे कहा जाता है, तो यह 20 का हो जाएगा आपको बी नंबर का आंसर, यानी कि हो जाएगा ये जो आपका आंसर है संरक्षी उतक। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर जाते हैं हम लोग और देखते हैं उसमें क्या है। तो दोस्तों 21 नंबर के प्रश्न में इनमें से सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट क्या है, ए माल्टोज, बी सुक्रोज, सी ग्लूकोज और डी स्टार्च। तो इसमें 21 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, जो कि सी नंबर जो कि है आपको ये ग्लूकोज दोस्तों, ये ग्लूकोज जो है ये यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार 22 नंबर का प्रश्न भी देखते हैं क्या है। तो दोस्तों 22 नंबर का प्रश्न देखे मित्रों, ये है कि इनमें से किससे तैराकी में सहयोग नहीं मिलता है, तैरने में किससे नहीं मिलता है, आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि नहीं मिलता है, इस पर ध्यान देना नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं मिलता है पर बी मीन पक्ष, सी जाली पद और डी वायु आशय। तो ये 22 का आपको हो जाएगा आंसर ए नंबर हो जाएगा गलफर दोस्तों। इस प्रकार से तो 23 नंबर का प्रश्न दोस्तों कि एक मांसाहारी जानवर है, ए हरिन, बी जेबरा, सी बाघ और डी गाय। तो इसमें से कौन एक जो है मांसाहारी जानवर है, तो 23 का हो जाएगा आपको आंसर ये हो जाएगा, ये तो स्पष्ट आप लोग समझ भी पा रहे मेरे ख्याल से, सी बाघ, क्योंकि हिरण जो होता है वो तो खाता नहीं, मांसाहारी होता नहीं है, जेबरा भी होता नहीं है, गाय तो शुद्ध शाकाहारी है पता ही है आपको, इसलिए जो इसमें से ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, ऐसा भगवान के लिए प्रश्न पूछे और आप लोग सबका बस उद्धार हो जाए सबका। चलिए और 6-7 क्वेश्चन है आगे बढ़ते हुए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। तो दोस्तों अब ये 24 नंबर का प्रश्न है, मच्छर के अंडों की खोज आप कहाँ करेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, मच्छर के अंडों की खोज आप कहाँ करेंगे, नदी, समुद्र, झरने या तालाब। तो इसका आंसर अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ये डी नंबर, तालाब। मच्छरों की खोज हम लोग यहीं पर करेंगे और कहीं नहीं करेंगे। तो ये 24 नंबर का प्रश्न हो गया, अब चलते हैं 25 के प्रश्न को। तो दोस्तों 25 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से कौन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में अस्थिर नहीं कर सकता है। तो ये 25 नंबर का प्रश्न आपके सामने में, तो इसका आंसर ए बी सी डी 4 दिया हुआ है, तो वक्त को गमाए बिना मैं इसका आंसर बताऊंगा कि 25 का आंसर हो जाएगा नंबर ए, राइजोबियम। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल मैंने सही कहा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। तो दोस्तों 26 नंबर का प्रश्न में ये लिखा हुआ है, किस वायुमंडलीय परत में मौसम की सभी घटनाएं घटती है, ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी ताप मंडल और डी मध्य मंडल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको नंबर ए, और मैं बता दूं ये भी 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 आई जो भी इसको कहले, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न 27 देखते हैं, 27 तो उसमें क्या है। तो दोस्तों 27 नंबर का 27 नंबर का प्रश्न आपके सामने में, दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ए नियाग्रा जलप्रपात, बी बेयामो जलप्रपात, सी साल्टो एंजल जलप्रपात, डी गड़सोप्पा जलप्रपात, जिसको महात्मा गांधी भी कहते हैं डी नंबर को। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 नंबर का दोस्तों सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर 27 का बिल्कुल सी नंबर होगा आंसर, हो जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा साल्टो एंजल जलप्रपात दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मित्रों 18 नंबर का प्रश्न आपके सामने में, कर्क रेखा राज्य में से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा भारत में कुल 8 राज्यों से गुजरती है, और आपको मैं बता दूं कि कर्क रेखा जो 8 राज्यों से गुजरती है और एकमात्र शहर रांची है जिसके ऊपर से वो कर्क रेखा गुजरती है। तो ये 8 राज्य याद आपको रखने से क्या होगा कि अगर कहीं प्रश्न पूछता है कि इसमें से कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है नहीं गुजरती है, तो आपको ऑप्शन से आसानी होगी उसको छांटने में, उसको ये जानने में। तो उसका एक होता है ट्रिक, मित्र पर गमछा झार, होता है क्या मैं बता दूं, यहां मैं लिख देता हूं ऐसे, मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक होता है। तो ये मी से मिजोरम हो गया, तो से त्रिपुरा हो गया, प से हो गया आपको शायद पश्चिम बंगाल, आर से राजस्थान, र से और ग से हो गया गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। तो इस प्रकार
इससे आपको याद हो जाएगा। तो इसमें आपको 28 नंबर में जो है इसका आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा कि आप देख लीजिए कि इसमें असम आया नहीं, तो ये सी नंबर इसमें से नहीं गुजरती। झारखंड, मिजोरम और गुजरात तो आ ही चुका था, आप देख चुके थे ये तीनों आ चुका था, ये और ये और ये, ये शिप नहीं आया था। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि उसमें क्या लिखा हुआ है। 29 और 30 दो ही प्रश्न बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों 29 नंबर का प्रश्न में है कांचीपुरम में, कांचीपुरम इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो इसमें ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी कर्नाटका है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 29 का हो जाएगा सी नंबर दोस्तों, वो हो जाएगा तमिलनाडु। तो चलिए आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 30 नंबर में देख लेता हूँ। 30 नंबर आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, उद्योग वस्त्र उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है, यानी डॉट 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 यानी कौन सा है। ए चीनी, बी पाट, सी सीमेंट, डी लोहा एवं इस्पात। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर डी, लोहा एवं इस्पात। तो दोस्तों आज कैसा लगा ये वीडियो है जरूर बताएं इस कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल पर नए नए आए सब्सक्राइब जरूर जरूर कर ले, एक लाइक करें, कमेंट करें और सबको शेयर करें। धन्यवाद मित्रों, फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं। ओके एंड बाय बाय।